रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। पंधाना मुख्य मार्ग का विधायक राम दांगोरे ने किया भूमि पूजन। खंडवा पंधाना शहर के मुख्य मार्ग का निर्माण 1,24,67,000 की राशि से होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। जनता में व व्यापारियों में खुशी की लहर। नगरीय निकाय में अध्यक्ष चुनाव के भाजपा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं गदगद। पंधाना नगर की जनता व व्यापारियों की मांग पर मिली है रोड की सौगात। आपको बता दें कि पंधाना शहर का आंतरिक मार्ग बहुत ही खराब हो चुका था। पूरे शहर में धूल के गुब्बार उड़ने से क्षेत्र व शहर की जनता बहुत परेशान हो चुकी थी और कई बार आंदोलन कर चुकी थी। विधायक द्वारा प्राथमिकता से रोड निर्माण का वचन व अपनी 1 करोड़ रुपए तक विधायक निधि भी देने का आश्वासन व्यापारियों को दिया था। बुंदेली न्यूज़। लंबे समय से मांग थी कि यहां एक अच्छी सड़क बने और उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे सड़क बनेगी आपकी दुकानों के सामने से मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही नगर पंचायत CMO साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो एक्सरसाइज की, वास्तव में पंधाना का व्यापारी मुख्य मार्ग का बहुत परेशान था और लगभग 10 से 20 ग्राम धूल रोज खा जाता था। उसके फेफड़े साइनस का प्रॉब्लम और तमाम तरह की त्वचा की बीमारियाँ हो रही थी, वो बहुत बुरी स्थिति में थे। और वास्तव में अगर ये 6 महीने रोड नहीं बनता तो निश्चित बहुत मुश्किल हो जाता और हर व्यापारी लगभग बीमार होने की कंडीशन पे आ गया था। कई लोगों ने अपने कांच के केबिन लगाए, कई लोगों ने पॉलीथीन के अपने पर्दे लगाए, लेकिन उससे कुछ हल होना नहीं था। और रही बात मॉनिटरिंग की, तो हम पूरी सजगता से मॉनिटरिंग करेंगे। एक एक व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित करके एक बैठक लेके और हमसे भी अगर उसमें कुछ सहयोग होते बनेगा, व्यापारी अपनी दुकान के सामने कुछ सहयोग करते बनेगा तो उसमें सहयोग निश्चित करेगा और फुल मॉनिटरिंग करेंगे। बड़ी उपलब्धि आज पंधाना को आप दे रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए काफ़ी कोऑपरेट किया और ठेकेदार ने भी इसको जो खूब ज़्यादा बिलो डाल दिया था, 18% बिलो डाल दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएगा जो तय रेट है। और इसके अलावा पहले भी बनाने की ऐसी कंडीशंस हुई तो कभी डामर की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कुछ आ रही थी, डामर की व्यवस्था हुई तो पानी गिर गया और भी खूब सारी समस्या है। PWD से हमने इसको नगर परिषद को हैंड ओवर कराया, उसके बाद में फंड ख़त्म हो गया, अभी फंड की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके बावजूद हमने एक ठोस निर्णय लेकर के इस रोड का आज भूमि पूजन किया है। कल इसके वर्कआउट आर्डर जारी हो चुके हैं और आज शाम से या कल सुबह से इसका काम भी चालू हो जाएगा। लंबे समय से ये पिछले 10 साल से ऐसी समस्या चल रही थी स्टूडेंट्स को, व्यापारियों को। और मंगलवार को जब हाट बाज़ार लगता है उस समय 80 गांव से जनता यहाँ व्यापार करने के लिए आती थी, बाज़ार करने के लिए आती थी, तो उनको भी काफ़ी समस्याएँ हो रही थी इसको लेकर के। अभी जैसे ही हमारी सरकार स्थायित्व में आई है, हमने बिल्कुल एक बोल्ड डिसीजन लिया है और आज इसका भूमि पूजन हुआ और इसका जल्दी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और जनता को जो धूल और इससे जो परेशानियां हो रही थी अब उसका सामना नहीं करना पड़ेगा।